ये लाइन में चाय के साथ खाने के लिए फैन, ये भी दवाई है, ये दवाई बनती है इसकी भी, अरंडी का तेल बनता है शायद से इसका। नहीं शाम बैठे नहीं है, आप जाओ। हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। तो गाइस मैं हूँ प्रीति और स्वागत करती हूँ मैं आपका फिर एक नए ब्लॉग में। तो चलो फिर करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। मम्मी को मैं दवाई खिला दूँ और मम्मी बेचारे बैठे हुए दवाई खिला दूँ। गाइज आप सोच रहे होंगे कि मम्मी खुद नहीं खाते दवाई, आप खिला रहे हो। तो मम्मी खुद नहीं खाते दवाई, यही तो परेशानी है। तब तभी तो इतने इतने दिन तक बीमार पड़ रहे थे, खाते ही नहीं दवाई है। इसलिए फिर मुझे इनको, मैं खुद अपने हिसाब से खिलाती हूँ फिर इनको दवाई, नहीं तो ये खाते नहीं। तो ठीक है गाइज, मैं जो है झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, बर्तन भी साफ करने, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और भाई जो है वो ऑफिस जा चुका है, चले गए ऑफिस, और मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। आज बना रही हूँ पहाड़ी उड़द और वांगे की दाल, और साथ में है चावल। और दिन का लंच बना के फिर मुझे जाना है, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना है, तो वहाँ पर बात करके आनी है कि कैसे है क्या हिसाब है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ किचन में। चलो तो गाइस मैं जो है ये खड़ा मसाला कूट लेती हूँ ग्लास में, क्योंकि मिक्सी में तो फिर इतना सा मसाला उसी में ही रह जाएगा, तो मैं ऐसे कूट के कर लेती हूँ ग्लास में। सो गाइज आप देख सकते हो कि दाल को मैंने दे दिया है तड़का मस्त वाला, और बस अब चावल है, अभी चावल बनाने हैं। बस दाल थोड़ी सी राड लग जाए दाल में, फिर उसके बाद चावल रखते हैं उबलने के लिए। भाई को दाल टेस्ट करवाते हैं, अभी अभी आया है भाई ऑफिस से, मार्केट गया हुआ था डाक वगैरह लेके, और भाई बताएगा। चम्मच से खा ले। कहाँ से आते ही? ले, अच्छी बनी। आज कैसे तेरे मुंह से मेरी तारीफ निकल गई? अजब अजब नहीं हो रहा कुछ मुझे है? अजब नहीं हो रहा मैंने क्या मेरे को कुछ? आज कैसे तेरे मुंह से मेरी तारीफ? हाँ कितनी अच्छी लग रही है। क्या तो क्यों कहते हो करा आप? क्यों क्यों लगे रहते? कोई नहीं, हम बैठ दे या था तू तो थे कितनी पे। हाँ? आप कैसी तबीयत है? तबीयत तो ठीक है। ठीक है हाँ। हैं? खीरा पूरा खाया ना? हाँ। ठंडा तो खीरा, अभी ठंडी चीजें मत खाओ ना, अभी इतनी तो ठंड है, कोई गर्मी थोड़ी ना आई। हाँ खीरे ठंड लग रही थी, तो हम इधर को आए थोड़ा सा घर के ऊपर को धूप सेकने के लिए। आपको दिखाती हूँ मैं पार, मटर वगैरह लगे हुए हैं वो दिखाती हूँ। बरात के बारे में बता रही थी ना, तो यहाँ से आता है कभी से बरात में, ये जो जंगल है वो परे तक फैला हुआ है, यहाँ से नहीं दिखेगा, परे जाके दिखेगा। कभी आपको ब्लॉग बना के लाऊंगी वहाँ का भी। तो यहाँ से कहीं से आता है बरात, नीचे से कहीं से जंगल, ये जंगल वो नीचे तक फैला हुआ है, वहाँ पर पहले आदमी जलाते थे, वो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पहले आदमी जलाते थे, मैंने भी खुद देखा है अपनी आँखों से। यहाँ पे जलाया था एक बार एक आदमी। देखिए ये भी दवाई है, ये दवाई बनती है इसकी भी। नहीं अरंडी का तेल बनता है शायद से इसका, वही है ये, पता नहीं सुखा के निकालते हैं इसको। ये है आपको कैसा लग रहा भाई जी? जोर से तो बोला कर, कैसा लग रहा?
देव को भी बादलों ने घेर लिया है। हमारे पहाड़ की भी मौसम का भरोसा नहीं है। अभी धूप है तो थोड़ी थोड़ी देर में जो है बारिश आ जाएगी। देखो दिख रहे होंगे आपको, सारे में फैल गया बादल। ये देखो सारे में आ गया बादल। कोई भरोसा नहीं हमारे पहाड़ का, ठंड का और बारिश का, गर्मी का, धूप का, कोई भरोसा नहीं। तो गाइज हम लोग अभी तक यहीं पे बैठे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है बैठना और मैं अपनी स्कूटी भी यहीं पार्क करती हूँ। आपको पता है, आपने देखा ही होगा मेरे कई ब्लॉग में। तो अभी तक हम लोग यहीं बैठे हैं। यहाँ पर खूब सारी बटरफ्लाई यानी तितली वगैरह घूम रही है यहाँ पर बहुत सारी, और पंछी इतने सारे इधर से उधर भागी जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मटर और गाजर की सब्जी के साथ खाऊंगी चावल, फिर उसके बाद लूंगी दाल, फिर लूंगी दाल। और मम्मी वो बैठे हैं खाने, और भाई साहब ये बैठे हैं खाने। भी हो गया और दिन का खाना भी हमने खा लिया है। बस अब थोड़ी देर धूप सेकेंगे, हमारे यहाँ बाहर आंगन में आ जाएगी धूप, फिर वहीं पर बैठ के सेकेंगे धूप और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी, मैं और भाई मार्केट की तरफ। इसको भाई को ऑफिस की तरफ से भेज रहे हैं ना, और पोस्ट ऑफिस में वो लेने के लिए डाक वगैरह, तो हम लोग जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ। तो ये देखिए भाई, ये गुम होगी इसकी, ये देखो कान बिंदवाया था ना इसने अभी कुछ दिन पहले, तो वो इसके पीछे से गिर गई रात को, पता नहीं कहाँ गिर गई। सो गाइज ये रहा पोस्ट ऑफिस के पास का नज़ारा, आपने देखा होगा, मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था, एक बारी मम्मी को भी लाई थी मैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पोस्ट ऑफिस है और सेंट लुक स्कूल है, वो सामने चैल का डिब्बा दिख रहा है, काली डिब्बा, ये कुछ स्कूल के बच्चे हैं। गाइज हम लोग घर पहुँच गए, ये देखो जा रही हूँ मैं घर। ये है मेरे भाई का ऑफिस। ये है भाई का ऑफिस। बात बोल रहा हूँ और वो रही हमारी बिल्डिंग सामने येलो वाली। मटर वगैरह छिल रहे थे, सब्जी काटी हमने, आलू मटर बनाएंगे आज, बस चाय बनाएंगे और मैं चाय के साथ ये लाई हूँ खाने को। ये लाइन में चाय के साथ खाने के लिए फैन, मेरे तो खुद को आई फैन। और ये रही
आई होप गाइस आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ और कमेंट। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, ताकि आपकी सपोर्ट से हम लोग भी आगे बढ़े ज़िंदगी में। और बाकी इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर लो, मैंने इंस्टा का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मेरे दूसरे चैनल पर। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आप लोग भी हमेशा खुश रहे, यही मेरी दिल से दुआ है।